अगर आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी के अंदर कलर भरने के लिए जरूरी है किसी गेमिंग लैपटॉप का होना, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ वो सभी गेमिंग लैपटॉप सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर 25,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक की रेंज के सारे बेस्ट लैपटॉप एक ही वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ। और ये जो नॉर्मल गेम्स की मैं बात करता हूँ तो चलेंगी चलेंगी, लेकिन GTA Vice City की बात करूँ या PUBG की बात करूँ, 60 FPS पे अगर आपको गेम खेलनी है, सभी लैपटॉप जितने मैं बताने वाला हूँ उसके अंदर बड़े आराम से गेम्स आप खेल पाएंगे। एक से एक दमदार गेमिंग लैपटॉप आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वानी। बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा क्योंकि आज आपको अपना गेमिंग लैपटॉप 100% श्योर मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मैंने ध्यान रखा है वीडियो बनाते वक्त। एक तो जो ब्रांड है उसका मैंने ध्यान रखा कि ब्रांड अच्छा हो ताकि बाद में आपको सर्विस भी आराम से मिल सके या पार्ट्स में कुछ दिक्कत है तो वो भी आप आफ्टर वारंटी भी बड़े आराम से आप ले सके। दूसरी चीज मैंने ध्यान रखी है वो है ड्यूरेबिलिटी। जो आप लैपटॉप ले रहे हैं क्योंकि आप गेमिंग खेलते हैं तो काफी रफ यूज होता है और जब 60 FPS पे आप खेलते हैं तो आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम मिलता है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जब आप बैटरी बैकअप पे जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं तो आपको 30 FPS मिलता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि कभी आपका लैपटॉप अगर 30 FPS पे चल रहा है तो हो सकता है आप बैटरी बैकअप पे चला रहे हो तो उसको आप मेन पावर से लगा दीजिएगा। तो मैंने ध्यान रखा है कि कौन से लैपटॉप के अंदर अच्छी कूलिंग आपको मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी किसके अंदर आपको मिलेगी, सर्विस किसके अंदर आपको मिलने वाली है, आफ्टर जो वारंटी है उसमें पार्ट्स किसमें ज़्यादा आराम से आपको मिल जाने वाले हैं, और ब्रांड्स का मैंने ध्यान रखा है। तो पहले अगर लैपटॉप की बात करता हूं तो वो है लेनोवो का आइडियापैड 130। ये लैपटॉप जो है आपको 26,820 रुपए का मिल जाएगा जिसके अंदर आपको 6th जनरेशन का कोर i3 प्रोसेसर मिलने वाला है। ये 2 GHz की फ्रिक्वेंसी पर चलता है और 4 GB के अंदर आपको DDR4 की रैम मिलने वाली है जिसे आप 8 GB 12 GB तक या 16 GB तक बढ़ा सकते हैं। 1 TB की आपको इसके अंदर हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाएगी, साथ ही आपको मिलेगा 2 GB का NVIDIA का GeForce MX110 ग्राफिक कार्ड, तो आप बड़े आराम से गेमिंग खेल पाएंगे। 15.6 इंच की आपको HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलने वाली है और इस लैपटॉप को आप 180 डिग्री तक खोल सकते हैं, तो गेमिंग का आपको बड़ा शानदार मजा मिलने वाला है। CD DVD रीड राइट दोनों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, साथ ही आपको मिलेगा 5 घंटे का बैटरी बैकअप, लगभग 2 किलो का ये लैपटॉप आपको मिलने वाला है। काफी अच्छा लेनोवो का ब्रांड है। 2 GB का इसमें आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, रैम सपोर्ट आपको अपग्रेड के लिए आपको मिल ही रहा है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस लैपटॉप को जा सकते हैं। 25-26 हज़ार की रेंज के अंदर डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बाय है, मतलब 25 से 27 के बीच में घूमता रहता है लैपटॉप। तो अगर आपको करंट प्राइस देखना है तो मैं नीचे लिंक में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसमें देख सकते हैं कि करंट प्राइस अभी क्या चल रहा है। लैपटॉप अगर आप 25,000 की रेंज में चाहते हैं, मतलब 25 से 30 के बीच में, तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं अब दूसरे लैपटॉप के बारे में जो है HP का। अच्छा, HP का लैपटॉप बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बारे में बता दूं, ये HP का 15 सीरीज का लैपटॉप है और कमाल की बात जब मैंने रिसर्च करी तो मैंने देखा कि सेम HP 15 सीरीज ये 42,000 में भी अवेलेबल है, 38 की रेंज में भी अवेलेबल है, और जो 38 वाला है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा बेटर है 42 के मुकाबले। अब कंपनियां पता नहीं किस अजीब तरीके से ये करती हैं या फिर कंज्यूमर है उसको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करती हैं। तो जो लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूं उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, उसमें आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप कंपेयर भी कर सके और आप राइट डिसीजन भी ले सके। तो बिना वक्त गवाए फटाफट इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको इंटेल का कोर i3 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। ये 8th जनरेशन का प्रोसेसर है। इसके अंदर आपको 8 GB की रैम देखने को मिलेगी DDR4 की, जिसे आप 16 GB तक बढ़ा सकते हैं। 1 TB की इसके अंदर आपको हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाएगी, साथ ही 2 GB का NVIDIA आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा जो कि GeForce MX110 है, और आपको मिलेगा 15.6 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले जो कि 1080 पिक्सल पे चलता है। विंडोज 10 का आपको होम एडिशन देखने को मिल जाएगा, साथ ही इसके अंदर आपको ऑफिस भी देखने को मिलता है, तो अगर आप स्टूडेंट है तो आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या प्रोफेशनल है तो भी आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। 7 घंटे का बैटरी बैकअप जो है कंपनी इसके अंदर बताती है, 2.2 kg का इसके अंदर आपको वेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको DVD रीड राइट का आपको सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो उस चीज के अंदर ये 7 घंटे का बैटरी बैकअप आपको नहीं मिलेगा क्योंकि गेमिंग जब होती है तो काफी लोड पड़ता है प्रोसेसर के ऊपर और ऐसे में काफी यूटिलाइजेशन हो जाता है आपकी प्रोसेसिंग रैम हार्ड ड्राइव वगैरह, क्योंकि लगभग सारी चीजें काम कर रही, तो स्क्रीन भी काफी हाई रेजोल्यूशन पे काम करती है, तो ऐसे में 7 घंटे का बैटरी बैकअप आपको गेमिंग के टाइम तो नहीं मिलने वाला है। गेमिंग में शायद आपको 3 या 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाए, और अगर आप ऑप्टिमल यूज करते हैं तो शायद आपको 5 या 5.5 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिल सकता है। HP ज्यादातर बढ़ा चढ़ा के बैटरी बैकअप बताता है, जो 7 घंटे का बैटरी बैकअप इन्होंने बताया है। उम्मीद करता हूं कि 5 या 6 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाए, और गेमिंग करते वक्त अगर 3 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल रहा है तो बहुत ही कमाल धमाल बैटरी बैकअप होगा, क्योंकि अगर आप PUBG को खेलते हैं 60 FPS के ऊपर या GTA Vice City को खेलते हो 60 FPS के ऊपर, तो आपको 2 घंटे का बैटरी बैकअप ही मिले तो बहुत अच्छी बात होती है। वैसे तो आप बैटरी बैकअप पे 60 FPS खेल ही नहीं पाओगे,
तो वो तो 30 FPS चलेगा, मैं आपको शुरुआत में बता ही चुका हूँ। तो अगर आप पावर लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बात कर लेते हैं तीसरे लैपटॉप के बारे में जो है Asus का TUF सीरीज। अगर आप सोचते हैं TUF सीरीज क्या होती है, तो ये होती है द अल्टीमेट परफॉर्मर, और इसी तरीके से ROG अगर आप बोलते तो रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। ये Asus की जो दो सीरीज आती है काफी ज्यादा पॉपुलर है गेमर्स के अंदर। तो पहले TUF सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। मॉडल का नाम है FX504 और इसके अंदर आपको इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। ओवरक्लॉक्ड करके आप इसे 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक बढ़ा सकते हैं। 8 जनरेशन का प्रोसेसर है, साथ ही आपको 8 MB कैशे मेमोरी देखने को मिलती है, तो कमाल धमाल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। 8 GB के अंदर आपको रैम देखने को मिलती है, आप 32 GB तक बढ़ा सकते हैं जो कि काफी कमाल की चीज है, क्योंकि नॉर्मली इतना अपग्रेड नहीं होता है, लेकिन अगर आप 32 GB तक बढ़ा पा रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। और मेरा वन ऑफ द फेवरेट ग्राफिक कार्ड इसके अंदर अवेलेबल है, एनवीडिया का GeForce का 1050, 4 GB का ग्राफिक कार्ड इसके अंदर है। 1 TB की आपको 5400 RPM की हाइब्रिड फायरकूडा जो है हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाएगी। 15.6 इंच की आपको फुल HD स्क्रीन देखने को मिलेगी, एंटी ग्लेयर स्क्रीन है तो आंखों पर भी इतना असर नहीं पड़ेगा। विंडोज 10 का आपको 64 बिट का एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप के अंदर आपको थर्मल कूलिंग देखने को मिलती है, तो आप रेगुलर जो है काफी घंटों तक अगर आप लैपटॉप चलाते हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो कीबोर्ड है आपको रेड इल्यूमिनेटेड चिकलेट कीबोर्ड आपको देखने को मिलता है, तो काफी अच्छी फीलिंग आती है जब आप गेम खेलते हैं। 7.1 चैनल का आपको सराउंड साउंड देखने को मिल जाएगा। अब इसमें हम जब बात कर रहे थे कि फायरकूडा इसके अंदर आपको हार्ड ड्राइव मिलने वाली है, फायरकूडा हार्ड ड्राइव में क्या अच्छी बात होती है, नॉर्मली जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो 5400 RPM की होती है और उसके अंदर ये राउंड पर मिनट जो चलते हैं तो वो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव होती है। फायरकूडा हार्ड ड्राइव में क्या होता है कि आपको 8 GB का आपको SSD चिप अलग से लगी हुई मिल जाती है, तो इससे स्पीड आपकी नॉर्मली काफी अच्छी बढ़ जाती है। तो जो नॉर्मली हमारी बारकूडा की हार्ड ड्राइव होती थी या 5400 RPM की हार्ड ड्राइव होती थी, उनसे बेटर आपकी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। लगभग 30-40% के आसपास अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही 8 GB की SSD हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है, तो डाटा जो है काफी जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर आपको किसी लैपटॉप के अंदर फायरकूडा हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है नॉर्मल हार्ड ड्राइव के मुकाबले, तो डेफिनेटली वो एक आपको अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उस लैपटॉप के लिए भी जा सकते हैं। बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो आपको 55,990 रुपए का मिल जाएगा, और अगर कोई अच्छी डील मिल रही है तो आपको 50,000 से नीचे भी मिल सकता है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके आप लेटेस्ट प्राइस का पता लगा सकते हैं। और दोस्तों जैसे मैं TUF सीरीज के बारे में बात कर रहा था, तो ROG सीरीज के बारे में कैसे ना बात करूं। Asus का ROG सीरीज जो है गेमर्स के अंदर लगभग इतना पॉपुलर है कि उसके बारे में बात ना करें तो जो गेमिंग जो वीडियो में बना रहा हूँ वो पूरा नहीं हो सकता। तो अगला मॉडल जो है वो Asus के ROG सीरीज का है, और जो मॉडल नंबर है वो है GL503GEEN1690T। ये लैपटॉप का एक्चुअल प्राइस तो जो है वो 1 लाख रुपए से भी ऊपर होता है, लगभग 1,01,000 या 1,02,000 होता है, लेकिन अभी करंटली ये मिल रहा है 82,000 रुपए के आसपास में, तो काफी अच्छी डील है, आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। 8 MB कैश मेमोरी देखने को मिलने वाली है, 8 जनरेशन का ये प्रोसेसर है, और इसके अंदर आपको 8 GB की जो DDR4 रैम देखने को मिलती है वो 2,666 MHz की पे चलती है, तो काफी फास्ट है, ये लेटेस्ट है। 1 TB की आपको फायरकूडा की हार्ड ड्राइव देखने को मिलेगी, साथ ही आपको 128 GB की अलग से SSD हार्ड ड्राइव देखने को मिलेगी, जो कि हमें पता है कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव से लगभग 17 टाइम ज्यादा फास्ट होती है, तो डेफिनेटली आपकी गेमिंग तो कमाल धमाल होने वाली है। अगेन इसके अंदर मेरा फेवरेट एनवीडिया का GeForce 1050 का आपको 4 GB ग्राफिक कार्ड देखने को मिलने वाला है, साथ ही आपको मिलेगी 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन विद अल्ट्रा फास्ट 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, तो कमाल धमाल आपका एक्सपीरियंस होगा गेमिंग में डेफिनेटली। 8 GB का आपको जो है कीबोर्ड देखने को मिलने वाला है, तो काफी सारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे कीबोर्ड के अंदर, और ये मैंने देखा यार लैपटॉप ये बहुत ही कमाल का लैपटॉप है, जो स्ट्रीमर्स जो होते हैं अगर आप लाइव गेम स्ट्रीम भी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त लैपटॉप है। घंटों घंटों इस लैपटॉप को मैंने चलाया हुआ है और बिल्कुल हैंग नाम की या लैग नाम की तो कोई चीज इस लैपटॉप में है ही नहीं, अल्टीमेट ये लैपटॉप है। अगर आप गेमिंग का शौक रखते हैं और 80,000 के आसपास आपका बजट है तो वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप ये है ROG सीरीज का, आप इसके लिए जा सकते हैं। और जो लोग Asus की ROG सीरीज के बारे में जानते हैं डेफिनेटली वो भी इस चीज को मानेंगे कि इस रेंज के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। अब बात कर लेते हैं एक अल्टीमेट गेमिंग लैपटॉप के बारे में। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए का जाता है तो इससे बेस्ट लैपटॉप आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है, ये है MSI का लैपटॉप, MSI GL63। 1,06,900 रुपए का लैपटॉप फिलहाल करंटली है। इसके अंदर आपको मिलता है लेटेस्ट इंटेल कोर i7 8 जनरेशन का 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेसर, साथ ही आपको मिलेगी 16 GB की DDR4 की रैम जो कि 2,666 MHz पर चलती है, जिसे आप 32 GB तक बढ़ा सकते हैं।
7200 RPM की आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिलेगी, साथ ही आपको 128 GB की SSD हार्ड ड्राइव और देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको 6 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, जो कि NVIDIA का 1060 सीरीज का है, G7X सीरीज का। ये VR रेडी ग्राफिक कार्ड है, मतलब कि आप वर्चुअल रियलिटी वाली गेमिंग भी कर सकते हैं। 15.6 इंच की आपको फुल HD स्क्रीन देखने को मिलेगी, साथ ही आपको विंडोज 10 का 64 बिट का एडिशन देखने को मिलने वाला है। 6 सेल की बैटरी आपको मिलने वाली है। दोस्तों MSI जो है वो जाना जाता है अपनी बेस्ट थर्मल टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके अंदर आपको 7 हीट पाइप्स देखने को मिल जाएंगे, ड्यूल फैन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, कमाल की कूलिंग इसके अंदर होने वाली है, और स्पीकर्स जो है वो बहुत ही दमदार है। स्पेशल जो है स्पेस दिया हुआ है स्पीकर्स के लिए इस लैपटॉप के अंदर, तो कमाल का आपको एक्सपीरियंस मिलता है जब आप लैपटॉप पे गेमिंग कर रहे होते हैं। सो बेस्ट थर्मल टेक्नोलॉजी, 2 फैन, 4 एग्जॉस्ट, 7 हीट पाइप्स, मतलब कमाल का आपको, मतलब गेमिंग का अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, और साउंड भी इसके अंदर कमाल की है। साथ ही आपको RGB कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यार ये बहुत ही अल्टीमेट गेमिंग लैपटॉप है, अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और ये वीडियो यहीं पर ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ये सारे थे वो लैपटॉप जो अगर 20,000 की रेंज से अगर मैं स्टार्ट करूं और 1 लाख तक की रेंज में आऊं तो बेस्ट मैं छाट के आपके लिए लेके आया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो उसको भी नीचे कॉमेंट बॉक्स में छाप देना, और मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।